हेलो डियर स्टूडेंट्स, वॉर्म वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज हम 10th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 9th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है भोली। और बच्चों, जैसा कि टाइटल से ही पता लग रहा है कि ये एक भोली भाली लड़की की कहानी है, लेकिन वो भोली भाली लड़की भी ज़बरदस्त कॉन्फिडेंट बोल्ड बन जाती है, और वो भी किसकी हेल्प से? एक टीचर की हेल्प से। तो बच्चों, आप सब जानते ही हैं कि किसी भी स्टूडेंट की लाइफ को चेंज कर देने में एक टीचर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आइए पढ़ते हैं इस इम्पोर्टेंट कहानी को, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि इसके राइटर कौन हैं। इस कहानी को लिखा है फेमस इंडियन राइटर K.A. Abbas ने। सो नाउ लेट स्टार्ट रीडिंग दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर। हर नेम वॉज सुलेखा, but since her childhood everyone had been calling her Bholi the simpleton. Simpleton means a foolish person. उसका नाम सुलेखा था, लेकिन हर कोई उसे बचपन से ही भोली बुद्धू कहता था। She was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल। वो गांव के नंबरदार जिसका नाम था रामलाल उसकी चौथी बेटी थी। इसका मतलब रामलाल के पास पहले से ही तीन बेटियां थी। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो 10 महीने की थी तो वो चारपाई से सिर के बल पर गिर पड़ी और शायद इसी वजह से उसके दिमाग का कोई हिस्सा उसे चोट लग गई थी। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. और चोट लगने की वजह से ही उसके दिमाग का डेवलपमेंट नहीं हुआ और वो पिछड़ी बच्ची रह गई। इसी वजह से सब लोग उसे भोली कहते थे। At birth, the child was very fair and pretty. जब वो पैदा हुई थी तो वो बहुत ही सुंदर प्यारी सी थी। But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. लेकिन जब वो 2 साल की हुई तो उसे smallpox हो गया। smallpox, जिसे आम भाषा में हम चेचक कहते हैं, इस बीमारी में बुखार हो जाता है और पूरी बॉडी पर दाने निकल आते हैं, जो ठीक होने के बाद भी कोई निशान जो है बॉडी के ऊपर छोड़ जाते हैं। Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. केवल उसकी आंखें ही बची थी, बाकी पूरी बॉडी पर काले रंग के चेचक के निशान रह गए थे। Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. छोटी सी Sulekha बोल ही नहीं पाई थी जब तक कि वो 5 साल की थी, और उसके बाद जब उसने बोलना सीखा तो क्या हुआ, वो हकलाती थी। तो बच्चों, इस तरीके से भोली में आम बच्चों की तुलना में बहुत सारी कमियां रह गई थी। The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. अब बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो बहुत ही कम बोलती थी। रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां, और सबसे छोटी थी भोली। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. Prosperous means wealthy. ये एक अमीर किसान का घर था और उनके घर में बहुत कुछ खाने पीने को था। All the children except Bholi were healthy and strong. Bholi को छोड़कर बाकी सारे बच्चे बहुत ही हेल्थी थे, स्ट्रॉन्ग भी थे। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. बेटों को तो पढ़ने के लिए शहर में स्कूलों में भेजा गया और उसके बाद कॉलेजेस में भेज दिया गया। Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. बेटियों में से राधा जो सबसे बड़ी थी उसकी तो पहले से ही शादी हो चुकी थी। The second daughter, Mangla's marriage had also been settled. And when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. अब दूसरी बेटी का नाम था मंगला, उसकी शादी भी फिक्स हो गई थी और उसके बाद रामलाल सोचने लगा था अपनी तीसरी बेटी जिसका नाम चंपा था उसकी शादी के बारे में। They were good looking, healthy girls. वे तीनों बहुत ही सुंदर दिखने वाली थी, हेल्थी थी, and it was not difficult to find bridegrooms for them. और इसीलिए उनके लिए दुल्हे ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। But Ramlal was worried about Bholi. रामलाल की चिंता का विषय तो थी भोली। She had neither good looks nor intelligence, क्योंकि ना ही तो वो दिखने में सुंदर थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। Bholi was 7 years old when Mangla was married. जब मंगला की शादी हुई तो उस समय भोली 7 साल की थी।
The same year a primary school for girls was opened in their village. और उसी साल उनके गांव में लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खोला गया. द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. और इस स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए, इसके उद्घाटन के लिए गांव में तहसीलदार साहिब आए. ही सेड टू रामलाल, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. अब तहसीलदार साहब ने रामलाल को कहा, क्योंकि तुम इस गांव में सरकार के प्रतिनिधि हो, तुम राजस्व अधिकारी हो, तो तुम्हें तो गांव वालों के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए. तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना है. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? और उस रात जब रामलाल ने अपनी वाइफ से इस बारे में बातचीत की तो वो गुस्से में चीख उठी, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? तो बच्चों, इससे हमें पता लगता है कि उस समय लड़कियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना एक डिसग्रेसफुल काम माना जाता था. बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार. लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को ना माने. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और अंत में उसकी वाइफ बोली, I will tell you what to do. मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है. Send Bholi to school as it is. There is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. एक काम करते हैं, भोली को स्कूल में भेज देते हैं, क्योंकि उसकी शादी होने का तो कम चांस है, उसका फेस भी बहुत ही भद्दा है, उसमें समझ भी नहीं है, तो स्कूल में उसके टीचर्स ही उसकी चिंता कर लेंगे. अब रामलाल ने अपनी वाइफ की बात मान ली और भोली को स्कूल की तरफ लेकर चल पड़ा. द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल. अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और बोला, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलूंगा. भोली वॉज फ्राइटन्ड, भोली डर गई. शी डिड नॉट नो वॉट ए स्कूल वॉज लाइक, उसे तो पता भी नहीं था कि स्कूल कैसा होता है. शी रिमेम्बर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड. उसे याद आया कैसे कुछ दिनों पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया गया था और बेच दिया गया था. तो भोली के मन में डर था कि उसके फादर उसे कहीं लेकर जा रहे हैं, तो कहीं उसके साथ भी कुछ गलत तो नहीं होने वाला. नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप. वो डर के मारे चीखी और उसने अपना हाथ अपने फादर की ग्रिप से छुड़वा लिया. व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल. अब रामलाल चिल्लाया कि पागल लड़की, क्या बात है, मैं तुम्हें केवल स्कूल लेकर जा रहा हूँ. देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर. तब उसने अपनी वाइफ को कहा कि इसे आज पहनने के लिए कुछ अच्छे से कपड़े दे दो, नहीं तो टीचर्स और बाकी स्कूल की लड़कियाँ हमारे बारे में क्या सोचेंगी जब वो भोली को देखेंगी. New clothes had never been made for Bholi. Bholi के लिए नए कपड़े तो कभी भी नहीं बनाए गए थे. The old dresses of her sisters were passed on to her. उसे हमेशा अपनी बहनों के पुराने कपड़े दिए जाते थे. No one cared to mend or wash her clothes. किसी ने आज तक परवाह ही नहीं की थी कि उसके फटे पुराने कपड़ों की रिपेयर कर दिया जाए या धो दिया जाए. But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted champa. लेकिन आज तो वो बहुत ही लकी थी क्योंकि उसको पहनने के लिए साफ सुथरी ड्रेस मिल रही थी जो कि बहुत बार धोने की वजह से सिकुड़ गई थी और अब चंपा को नहीं आती थी. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. आज तो उसे नहलाया भी गया था और उसके सूखे उलझे बालों में तेल भी लगाया गया था. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. और जब कुछ उसने सारा कुछ ये देखा कि उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, तेल लगाया जा रहा है, तभी उसे यकीन हुआ कि उसे घर से किसी बेटर प्लेस, बेहतर जगह पर ले जाया जा रहा था. When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब स्कूल में पहुँचे तो बच्चे पहले से ही अपने क्लासरूम्स में थे. रामलाल handed over his daughter to the headmistress. रामलाल ने अपनी बेटी भोली को headmistress को hand over कर दिया. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. अकेले छोड़े जाने पर बेचारी भोली, उसने डरी हुई आंखों से इधर उधर देखा. There were several rooms and in each room, girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates.
अब स्कूल में बहुत सारे कमरे थे और हर कमरे में उसके जैसे ही लड़कियां मैट्स पर आलती पालती लगाकर बैठी हुई थी, जो बुक्स में से पढ़ रही थी या फिर स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। हेडमिस्ट्रेस ने भोली को कहा कि एक क्लासरूम में जाकर एक कोने में बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वॉज लाइक एंड व्हाट हैपन्ड देयर, बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। अब भोली को तो ये पता ही नहीं था कि एक स्कूल एग्जैक्टली होता कैसा है और वहाँ पर क्या होता है, लेकिन वो ये देख कर खुश थी कि उसके जैसी ही उसकी ही हम उम्र लड़कियाँ वहाँ पर स्कूल में प्रेजेंट थी। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसे उम्मीद थी कि इन लड़कियों में से कोई ना कोई तो उसकी फ्रेंड बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। अब जो क्लास में लेडी टीचर थी वो लड़कियों से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली जो अनपढ़ थी जिसने कुछ भी नहीं देखा था स्कूल के बारे में, उसे टीचर की कही हुई कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। अब उसने क्लासरूम में दीवार पर लगी हुई पिक्चर्स की तरफ देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हर और इन कलर्स ने भोली को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। घोड़ा ब्राउन कलर का था और वैसा ही था जैसे घोड़े पर तहसीलदार बैठकर उनके गांव में आया था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर और बकरी काली थी जैसे कि उनके पड़ोस में बकरी थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। पैरट ग्रीन कलर का था और वैसा ही था जैसे उसने आम के बगीचे में देखे थे। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी और गायें बिल्कुल उनकी लक्ष्मी जैसी ही थी। अब भोली जिसने कभी भी स्कूल देखा ही नहीं था तो एक तरीके से रिजेम्बलेंस ढूंढ रही थी। वो पिक्चर्स को देखकर ये ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि उसने ऐसी ही चीज़ें कहाँ कहाँ पर देखी थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। और अचानक से भोली ने नोटिस किया कि टीचर तो उसके साइड में ही खड़ी थी और उसकी तरफ देख कर मुस्कुरा रही थी। What's your name, little one? टीचर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। भो She could stammer no further than that. लेकिन बेचारी भोली वो तो हकला गई, अपना नाम नहीं बोल पाई। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. और उसके बाद वो रोने लग गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew but still laughing at her. अब उसने अपना सिर नीचे ही रखा, जैसे वो कोने में बैठी थी उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो ऊपर अपना सिर उठाकर अपनी नज़रें उठाकर देखे, क्योंकि उसको पता था कि सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थी, उस पर हंस रही थी। When the school bell rang, all the girls screamed out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. और जब स्कूल की बैल बजी, इसका मतलब जब उनकी छुट्टी हो गई, तो सभी लड़कियां जल्दी से क्लासरूम से निकल गई। स्क्रीड मीन्स मूव हरिडली विद शॉर्ट क्विक स्टेप्स। लेकिन भोली में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने उस कोने को छोड़ पाए। हर हेड स्टिल लोअर्ड शी कैप्ट ऑन सोबिंग। उसका सिर अभी भी नीचे ही झुका हुआ था और वो सुबक रही थी। और तभी टीचर ने उसको उसके नाम से बुलाया, भोली। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। टीचर की आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट थी, जेंटल माइल्ड थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। अपनी पूरी जिंदगी में भोली ने अपना नाम इतनी सॉफ्टनेस के साथ कभी नहीं सुना था। इट टच्ड हर हार्ट और यही आवाज़ सॉफ्ट कॉल उसके दिल को छू गया। गेट अप सेड द टीचर। टीचर ने कहा उठो। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप, क्योंकि ये कोई आदेश नहीं था बल्कि टीचर बहुत ही फ्रेंडली वे में उसको उठने के लिए कह रही थी, तो भोली अपनी सीट से उठी। नाउ टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। भोली डरी हुई थी तो उसके सारे शरीर पर पसीना आ गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसकी हकलाती हुई जुबान उसको फिर से डिस्ग्रेस कर देगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वूमन However, she decided to make an effort. लेकिन इस दयालु औरत के लिए यानी कि इतनी अच्छी टीचर के लिए उसने डिसाइड किया कि वो एक बार फिर से कोशिश करेगी।
She had such a soothing voice. She would not laugh at her. क्योंकि टीचर की वॉइस बहुत ही सॉफ्ट थी और टीचर उस पर हंसेगी भी नहीं, उसका मजाक भी नहीं उड़ा रही थी. तो भोली ने फिर से कोशिश की. शी बिगेन टू स्टैमर, लेकिन भोली से नहीं बोला गया. फिर से वो हकलाने लगी. वेल डन वेल डन, द टीचर इनकरेज्ड हर. कम ऑन नाउ द फुल नेम. लेकिन टीचर बहुत ही अच्छी थी. टीचर उसे मोटिवेट कर रही थी, उसे शाबाशी दे रही थी और उसे पूरा नाम बोलने के लिए मोटिवेट कर रही थी. भोली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट. और अंत में भोली अपना पूरा नाम लेने में सफल हो गई. एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट. और भोली भी बहुत ही रिलैक्स्ड महसूस कर रही थी, मानो उसे बहुत ही बड़ी उपलब्धि मिल गई थी. वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरी वन एल्स. टीचर ने उसे शाबाशी देते हुए कहा कि अपने डर को दिल से निकाल दो और जैसे बाकी लोग बोल पाते हैं तुम भी वैसे ही बोल पाओगी. भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली. भोली ने टीचर की तरफ देखा मानो वो पूछ रही थी क्या सचमुच ऐसा होगा. यस यस, इट विल बी वेरी इजी. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम. हाँ हाँ, ये बिल्कुल होगा, ये बहुत ही आसान है. तुम बस हर रोज स्कूल में आओ, क्या तुम आओगी. भोली नॉडेड. भोली ने हाँ में सिर हिला दिया. नो, सेड अलाउड. टीचर ने कहा कि गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, इसको बोल के बताओ. ये यस. एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू सेड. भोली खुद ही हैरान थी कि वो सही ढंग से आंसर दे रही थी और उसने हाँ में उत्तर दे दिया था. Didn't I tell you? Now take this book. अब टीचर से कहती है कि देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अपना नाम अच्छे से बोल पाओगी, तुम बाकी बातें दूसरे लोगों की तरह अच्छे से बोल पाओगी. चलो अब इस बुक को लो. The book was full of nice pictures and the pictures were in color. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi. बुक में बहुत ही सुंदर और कलरफुल पिक्चर्स थी जिसमें कि डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर और लक्ष्मी की जैसे दिखने वाली एक गाय थी. एंड विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स. और हर तस्वीर के सामने बड़े बड़े ब्लैक लेटर्स में एक शब्द लिखा गया था. इन वन मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक. जब होली ने बुक को देखा तो टीचर ने उसे मोटिवेट करते हुए कहा कि तुम एक महीने में ये सारी बुक पढ़ पाओगी. देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक देन अ स्टिल बिगर वन. और उसके बाद मैं तुम्हें इससे एक बड़ी बुक दूंगी और फिर उससे भी एक बड़ी बुक. इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनी वन एल्स इन द विलेज. और समय के साथ साथ तुम गांव में बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी. लर्नड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत ही नॉलेज गेन कर ली हो और वो भी पढ़ाई के द्वारा. देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू. और फिर उसके बाद कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा पाएगा. पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर. लोग तुम्हारी बातों को सम्मान के साथ सुनेंगे और तुम बिना हकलाए अच्छे से अपनी बातों को कह पाओगी. अंडरस्टैंड, समझ गई. नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग. अब घर जाओ और कल सुबह वापस यहाँ पर आना. भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स. और भोली को ऐसा महसूस हो रहा था मानो अचानक से गांव के मंदिर की सारी घंटियां बज रही हों और स्कूल हाउस के सामने वाले पेड़ पर बड़े बड़े लाल फूल खिलाए हों. हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ. उसके दिल में एक नई उम्मीद, नई लाइफ के प्रति एक आशा की किरण जग गई थी. तो उसका दिल नई उम्मीद से, नई लाइफ के बारे में सोचकर खुशी से धड़क रहा था. Thus the years passed. और इस प्रकार कई साल बीत गए. The village became a small town. गांव एक छोटे से टाउन में बदल गया था. The little primary school became a high school. छोटा सा प्राइमरी स्कूल अब एक हाई स्कूल बन गया था. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill.
एक टीन शेड के नीचे अब सिनेमा था और मिल भी थी, जहां पर कॉटन को सीड से सेपरेट करने के लिए मशीनें लगी हुई थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन। मेल ट्रेन मीन्स एक फास्ट ट्रेन जो मेल्स को कैरी करती है। अब उनके रेलवे स्टेशन पर मेल ट्रेन भी रुकने लग गई थी। तो ये बताया गया है कि समय के साथ साथ गांव में क्या चेंजेस आ गए थे। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। एक रात डिनर के बाद रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, तो क्या मैं बिशंबर के प्रपोजल को स्वीकार कर लूं? बच्चों, अब हो रही है एक नए कैरेक्टर की एंट्री। आइए देखते हैं कि ये बिशंबर कौन है और इसने रामलाल को क्या प्रपोजल दिया है। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा कि हाँ निश्चित रूप से तुम बिशंबर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। भोली लकी होगी कि उसे इतना अच्छा पैसे वाला दूल्हा मिलेगा। वेल टू डू मीन्स जो बहुत ही पैसे वाला है, जिसका काम अच्छे से चलता है। अ बिग शॉप अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। उसकी एक बड़ी सी दुकान है, उसका अपना मकान है और मैंने तो सुना है बैंक में कई हजारों रुपए भी हैं उसके। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और इसके साथ साथ वो कोई दहेज की डिमांड भी नहीं कर रहा है। दैट्स राइट बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम एंड ही ऑल्सो लिम्प्स। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। अब रामलाल ने कहा कि वो तो ठीक है लेकिन वो यंग नहीं है। तुम्हें पता है उसकी उम्र लगभग उतनी ही है जितने की मेरी है और वो थोड़ा लंगड़ाता भी है। इसके साथ साथ उसकी पहली वाइफ के बच्चे अब बड़े भी हो गए हैं। सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। उसकी वाइफ ने उत्तर दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, 45 और 50 इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन। एक आदमी के लिए ये कोई बड़ी उम्र नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। हम तो लकी हैं कि वो दूसरे गांव से है, उसे पता ही नहीं कि भोली के चेहरे पर पोक मार्क्स है और ना ही उसे कोई समझ है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। अगर हमने ये प्रपोजल स्वीकार नहीं किया तो वो पूरी जिंदगी अनमैरिड रह सकती है, उससे तो कोई शादी ही नहीं करेगा। यस बट आई वंडर वॉट भोली विल से। हाँ तुम जो कह रही हो ठीक कह रही हो, लेकिन मैं हैरान हूँ कि भोली क्या कहेगी। वो क्या सोचेगी कि हमने उसके लिए कैसा दूल्हा ढूंढा है। वॉट विल दैट विटलेस वन से, शी इज लाइक ए डम काउ। अरे वो मूर्ख क्या कहेगी, वो तो गूंगी गाय है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। रामलाल बड़बड़ाया कि हो सकता है तुम ठीक कह रही हो। इन दी अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन। आंगन के दूसरे कोने में भोली अपनी चारपाई पर जागी हुई थी और वो अपने पेरेंट्स की इस विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन को, धीमी आवाज में की गई डिस्कशन को सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। ग्रोसर मीन्स पंसारी, वो व्यक्ति जो फूड या दूसरे हाउस होल्ड गुड्स को बेचता है। बिशंबर नाथ पैसे वाला पंसारी था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। और वो शादी में बहुत सारे फ्रेंड्स और रिश्तेदारों की बारात लेकर आया। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड होर्स। और अब बारात के आगे आगे एक ब्रास बैंड जो कि इंडियन फिल्म की पॉपुलर ट्यून को बजा रहा था और दूल्हा एक डेकोरेटेड हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था। तो इस तरीके से बताया गया है कि भोली की बारात उसके घर में पहुंच गई थी। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। पॉम्प एंड स्प्लेंडर मीन्स शानो शौकत। रामलाल बहुत ही खुश था इतनी शानो शौकत को देखकर। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की इतनी शानदार शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक
एनवियस मीन्स जेलस. भोली की बड़ी बहनें जो उसकी शादी अटेंड करने के लिए आई हुई थी वो उसकी किस्मत से थोड़ा जल भूल रही थी, जेलस महसूस कर रही थी. व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रीस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड. और जब वो शुभ घड़ी आई तो पुजारी ने कहा दुल्हन को लेकर आओ. भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेट फायर. भोली जिसने रेड सिल्कन दुल्हन की ड्रेस डाली हुई थी उसे पवित्र फेरों की अग्नि के सामने दुल्हन वाली जगह पर लाया गया. गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ. बिशंबरनाथ के एक फ्रेंड ने कहा कि दुल्हन को माला पहनाओ. द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरी गोल्ड्स. दुल्हे ने येलो मैरी गोल्ड्स वाली माला उठा ली. अ वूमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस. एक औरत ने दुल्हन के चेहरे पर जो घूंघट था उसे सरका दिया. बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस. और बिशंबर ने एक जल्दी से नजर डाली दुल्हन के चेहरे पर. द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स. और माला उसके हाथों में ही अटकी रह गई. द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस. और दुल्हन ने अपने चेहरे पर घूंघट वापस से डाल लिया. हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम. शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस. बिशंबर ने अपने एक फ्रेंड को जो उसके साथ में ही बैठा था उसको कहा क्या तुमने उसे देखा है, उसके चेहरे पर चेचक के निशान है. सो वॉट यू आर नॉट यंग आइदर. फ्रेंड ने कहा फिर क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो. मे बी बट इफ आई एम टू मैरी हर हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 rupees. हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो लेकिन अगर मैं उससे शादी करूंगा तो उसके फादर को मुझे 5,000 rupees देने पड़ेंगे. तो बच्चों इस तरीके से बिशंबरनाथ अब डाउरी की डिमांड करने वाला है. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ओनर एट बिशंबर्स फीट. रामलाल के पास इतने पैसे नहीं थे तो इसीलिए उसने अपनी पगड़ी अपना मान सम्मान बिशंबर के कदमों में रख दिया. डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो टेक 2,000 rupees. और उसने रिक्वेस्ट की कि मेरी ऐसे बेइज्जती मत करो, तुम 2,000 rupees ले लो. नो 5,000 और वी गो बैक कीप योर डॉटर. लेकिन बिशंबर नाथ उसने क्या आंसर दिया, नहीं हमें 5,000 ही चाहिए नहीं तो हम वापस चले जाएंगे, अपनी बेटी को अपने पास ही रखो. बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. बेचारा रामलाल वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि तुम थोड़ा बहुत तो ध्यान रखो, अगर तुम वापस चले गए तो मैं अपना चेहरा गांव में दोबारा कभी नहीं दिखा पाऊंगा. देन आउट विद 5,000 तो ठीक है 5,000 निकालो. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस रामलाल वेंट इन ओपन्ड द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स. ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट. बेचारा रामलाल अब वो रोए जा रहा था, उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था. और ऐसी सिचुएशन में रामलाल अंदर गया, अपनी सेफ खोली और उसने नोट्स गिने और जितने भी पैसे उसके पास थे उसने सारा बंडल अब जो है दूल्हे के कदमों में रख दिया. ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल. बिशंबर के लालची चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई थी. ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन. उसने तो एक जुआ खेला था जिसमें वो जीत गया था. गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड. और उसने अनाउंसमेंट की कि लाओ मुझे माला दे दो, क्योंकि अब उसे पैसे मिल चुके थे. वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट. एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट को सरकाया गया लेकिन इस बार उसकी नजरें नीचे की तरफ नहीं थी. शी वॉज लुकिंग अप लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड एंड इन हर आईज देर वॉज नाइदर एंगर नोर हेट ओनली कॉल्ड कॉन्टेम्प्ट. वह ऊपर देख रही थी बिल्कुल सीधे अपने भावी हस्बैंड की तरफ और उसकी आंखों में ना ही गुस्सा था ना ही नफरत थी, केवल और केवल कॉन्टेम्प्ट. कॉन्टेम्प्ट मीन्स डिसरिस्पेक्ट. तो उसके मन में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं था बिशंबर के लिए. बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक. बिशंबर ने माला को उठाया ताकि वो दुल्हन के गले में इसे डाल सके. बट बिफोर ही कुड डू सो भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर. शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल. बिशंबर भोली के गले में माला डाल पाता उससे पहले ही भोली का हाथ बिजली की स्ट्रीक की तरह उठा और माला आग में जा गिरी. वह उठी
और उसने घूंघट को हटा दिया. पिताजी, said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. अब Bholi ने बिल्कुल clear voice में और loud voice में कहा, पिताजी. और जैसे उसने कहा तो उसके father, mother, sisters, भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी सब हैरान रह गए, क्योंकि Bholi बिना हकलाए clear voice में बोल रही थी, पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन. पिताजी, अपने पैसे वापस ले लो, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी. रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक. द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस. और Bholi की बात सुनकर रामलाल हैरान रह गया. शादी में जो मेहमान आए हुए थे वो भी कानाफूसी करने लगे कि अरे, इतनी बेशरम, इतनी भद्दी दिखने वाली, लेकिन कैसी शेमलेस बातें कर रही है. Bholi, आर यू क्रेजी, shouted रामलाल. रामलाल चिल्लाया, Bholi, क्या तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली की बेइज्जती करना चाहती हो? हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत, हमारी इज्जत की थोड़ी परवाह करो. फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, said Bholi, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन. Bholi ने कहा, आपकी इज्जत की खातिर ही मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी, बट I will not have such a mean, greedy, contemptible coward as my husband. I won't. लेकिन मैं एक ऐसे नीच, लालची और घृणा के लायक कायर व्यक्ति को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी. Bholi ने बिल्कुल दृढ़, डिटरमिंड, क्लियर वॉइस में अपना निर्णय दे दिया था कि वो ऐसे लालची आदमी से शादी हरगिज नहीं करेगी. What a shameless girl! We all thought she was a harmless dumb cow. और साथ में ही एक बूढ़ी औरत खड़ी थी. उसने क्या कहा कि देखो कितनी बेशरम लड़की है. हमने तो सोचा था कि ये गूंगी गाय है जो किसी का नुकसान नहीं कर सकती. Bholi turned violently on the old woman. Yes, auntie, you're right. You all thought I was a dumb driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow. The stammering fool is speaking. Do you want to hear more? अब Bholi बहुत ही गुस्से में थी तो वो बिल्कुल violent mood में बूढ़ी औरत की तरफ मुड़ी और बोली, हाँ आंटी, आप ठीक कह रही हैं. आप सब ने सोचा था कि मैं एक गूंगी गाय हूँ और इसीलिए आप सब मुझे इस निर्दयी प्राणी को सौंप देना चाहते थे, लेकिन अब गूंगी गाय, हकलाने वाली मूर्ख लड़की बोल रही है. क्या आप मुझसे और बातें सुनना चाहती हैं? तो इस तरीके से Bholi ने सब लोगों को चुप करवा दिया. विशंबरनाथ, द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी. विशंबरनाथ पंसारी अब अपनी सारी पार्टी के साथ वापस जाने लगा. द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग. अब बैंड्समैन कंफ्यूज थे, उन्होंने सोचा कि सेरेमनी अब खत्म हो गई है तो उन्होंने क्लोजिंग सॉन्ग बजाना शुरू कर दिया. रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड बोड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम. रामलाल तो मानो शर्म से, दुख से जमीन में ही गड़ गया था, उसका सिर नीचे झुका हुआ था. द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन. फेरे की पवित्र अग्नि की लपटे अब धीरे धीरे बुझ गई थी. एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला गया था. रामलाल टर्न्ड टू Bholi एंड सेड, बट वॉट अबाउट यू? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ. वॉट शैल वी डू विद यू? रामलाल Bholi की तरफ मुड़ा और बोला, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? कोई तुमसे शादी ही नहीं करेगा, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टेडी. और सुलेखा, जिसने अब बड़ी शांत आवाज में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न्ड सो मच. Isn't that right, ma'am? और अब Bholi ने क्या कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा है. मैम, क्या ये बात सही नहीं है? The teacher had all along stood in a corner watching the drama. टीचर इस सारे समय में इस ड्रामा को देखती हुई एक कोने में खड़ी थी. Yes, Bholi, of course, she replied. उसने उत्तर दिया, हाँ Bholi, निसंदेह तुम ये सारी बातें बिल्कुल ठीक कह रही हो. एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट.
of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. और टीचर की मुस्कुराती हुई आंखों में गहरी संतुष्टि की एक चमक थी. टीचर बहुत ही खुश थी, सेटिस्फाइड थी, और ये सेटिस्फेक्शन वैसे ही थी जैसे एक कलाकार महसूस करता है जब उसके मास्टरपीस को पूरा करने के बारे में वो सोचता है. इसका मतलब टीचर भी एक आर्टिस्ट होता है जो अपने स्टूडेंट्स को मास्टरपीस में बदल देता है. भोली जो एक सिंपल लड़की थी, जो डरपोक थी, जिसे कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसे ये नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है, ऐसी भोली भाली लड़की आज अपने टीचर के दिए हुए नॉलेज से इतनी कॉन्फिडेंट और बोल्ड बन गई थी कि उसने एक ओल्ड लेम मैन से शादी करने से साफ साफ मना कर दिया था और उसने ये निर्णय ले लिया था कि वो अपने माता पिता की सेवा करेगी. तो इस तरीके से भोली अपनी टीचर की मास्टरपीस बन गई थी. तो बच्चों यहीं पर ये इंटरेस्टिंग कहानी खत्म होती है. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर.